रिया सुशांत ड्रग केस की तफ्तीश में बॉलीवुड की बिग हीरोइन दीपिका पादुकोण का नाम आया सामने। एनसीबी पूछताछ के लिए कर सकती है तलब। करिश्मा से चैटिंग में दीपिका ने पूछा क्या तुम्हारे पास माल है, जवाब में करिश्मा ने कहा हाँ। बातचीत में ड्रग्स का जिक्र। ड्रग केस की तफ्तीश के दौरान एनसीबी की सूची में बढ़ते जा रहे हैं तमाम नाम। अभिनेत्री श्रद्धा कपूर से पूछताछ संभव। श्रद्धा कपूर और जया साहा के बीच व्हाट्सएप पर ड्रग को लेकर हुई थी चैटिंग, अब एनसीबी के निशाने पर हैं श्रद्धा। अभिनेत्री पायल घोष बीती रात अनुराग कश्यप पर नहीं दर्ज करा सकी एफआईआर। मुंबई के ओशिवरा थाने पहुंची थी पायल घोष। बीती रात ओशिवरा थाने में कोई महिला पुलिस अफसर नहीं होने से नहीं दर्ज हो सकी एफआईआर। सुशांत की विसेरा रिपोर्ट पर एम्स के डॉक्टर्स की बैठक आज। सीबीआई अफसरों संग होगी मीटिंग। एम्स की फोरेंसिक टीम के साथ भी साझा करेगी विचार, इसके बाद सुशांत की मौत के केस से उठाएगी अगला कदम। ड्रग्स मामले में गिरफ्तार रिया चक्रवर्ती और शौविक समेत आरोपियों की आज खत्म हो रही है न्यायिक हिरासत। 14 दिन से हाईखला जेल में बंद है सभी। आज सुबह उपराष्ट्रपति हरिवंश निलंबित सांसदों से चाय लेकर मिलने पहुंचे। कुछ देर बैठकर निलंबित सांसदों से बातचीत भी। निलंबित सांसदों से मिलने के बाद उपसभापति का ऐलान, सांसदों के नियम विरोधी व्यवहार को लेकर एक दिन का उपवास। पीएम मोदी ने सांसदों से उपसभापति की मुलाकात को संसदीय आचरण की बेहतरीन मिसाल बताया, कहा हरिवंश ने लोकतंत्र को गौरवान्वित किया। रात भर संसद परिसर में निलंबित सांसदों ने दिया धरना। कृषि बिल पर राज्यसभा में हंगामा करने पर 8 विपक्षी सांसदों को किया गया निलंबित, अब धरना हुआ खत्म। 4 कांग्रेस सांसदों ने राष्ट्रपति भवन की तरफ किया कैंडल मार्च, लेकिन पुलिस ने रोका, हुई धक्का मुक्की। चीन के साथ कोर कमांडर्स की बैठक में भारत की दो टूक, सभी विवादित जगहों से पीछे हटे चीन। 13 घंटे तक चली बातचीत, बैठक में भारत ने रखा प्रस्ताव, लद्दाख में एलएसी पर तनातनी खत्म करने के लिए बने रोडमैप। जम्मू कश्मीर के बडगाम में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच एनकाउंटर, एक आतंकी ढेर। यूपी में बनने वाली फिल्म सिटी को लेकर एक्शन में सीएम योगी, फिल्म जगत के दिग्गज कलाकारों से आज करेंगे मुलाकात। अनुपम खेर, परेश रावल, अनूप जलोटा समेत कई लोग करेंगे मुलाकात, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी मीटिंग। देश भर में 55 लाख के पार पहुंचे कोरोना के मरीज, 24 घंटे में 75,000 से ज्यादा नए मामले दर्ज। देश भर में पिछले 24 घंटे में 1,053 मरीजों की मौत, अब तक कोरोना ने ली 88,000 से ज्यादा जान। उधम सिंह नगर में तेंदुए का खौफ, शिकार की लाई तस्वीरें कैमरे में कैद। यूपी के सुल्तानपुर में युवती को जिंदा जलाने की कोशिश, पुरानी रंजिश से जुड़ा मामला। वाराणसी में एसटीएफ ने 2 ट्रक तस्करों को दबोचा, 2 करोड़ का गांजा बरामद। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओमकश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।